प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली है, जिसे लेकर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज चिन्हित स्थानों पर बीडीएस की टीम ने चेकिंग की और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया। इंदौर में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर पुलिस लगातार अपनी तैयारियां कर रही है। वहीं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने चिन्हित स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां बीडीएस की टीम सुरक्षा को लेकर दृष्टिगत रखते हुए चेकिंग की। डीसीपी सपंत उपाध्याय के मुताबिक क्षेत्र के आसपास के मंदिर, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट पर लगातार चेकिंग की जा रही है। वहीं 16 टीमें अतिरिक्त प्राप्त हुई है, इसके द्वारा चेकिंग लगातार जारी है। देखिए, इंदौर में बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, प्रवासी भारतीय लोग आ रहे हैं। लगभग 3,500 प्रवासी भारतीय इंदौर में आने की संभावना है। जो प्रवासी भारतीय आएंगे तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि महाकाल दर्शन के लिए जाएंगे, ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जाएंगे। उनमें हम लोगों को रूट अरेंजमेंट हम लोगों ने लगाया हुआ है। इंदौर से सावेर तक व्यापक रूट अरेंजमेंट हमने लगाया गया। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान उज्जैन से जो ट्रैफिक आने वाला है, उसको एसपी उज्जैन से रिक्वेस्ट किया है कि हैवी ट्रैफिक को वहाँ डाइवर्ट कर दे। लाइट ट्रैफिक को हम जो है सावेर से जो है सिपरा की ओर डाइवर्ट करके देवास की से होते हुए लाएंगे। इसी प्रकार के जो है सिमरोल, संभावना ये है कि प्रवासी भारतीयों काफ़ी श्रद्धालु जो है ओंकारेश्वर जाएंगे। तो 8, 9, 10 तीन दिन जो है रूट डाइवर्ट रहेगा। हैवी ट्रैफिक जो है सिमरोल से तेजाजी नगर से ए बी रोड होते हुए जाएंगे, वहाँ सिर्फ लाइट व्हीकल चलेंगे। उधर जो है खंडवा ज़िले के छेगांव माखन की जो है देसगांव चौकी, वहाँ से उन्होंने रूट डाइवर्ट करेंगे वो भी, तो वो जो है हाईवे से होते हुए आएंगे। और इंदौर में सिमरोल से लेके सिमरोल जो हमारा क्षेत्र है उसमें 2 घाट पड़ते हैं, उसमें भी हम लोगों ने व्यापक पुलिस व्यवस्था लगाई। 24 घंटे पुलिस दोनों रोड पर उपलब्ध रहेगी, इसके लिए पर्याप्त हम लोगों ने मोबाइल लगाई हुई है और अतिरिक्त फोर्स हम लोग डिप्लाई कर रहे हैं। सर, जो दोनों जगह है क्या यहाँ पर जो भारी व्हीकल रहते हैं इनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से? दोनों तरफ हमने भारी व्हीकल डाइवर्ट 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक की। सर, कितने CCTV भी लगाए गए हैं तब पे जब पर? CCTV तो ऑलरेडी हम लोगों के पहले से लगे हुए हैं। ये जो है इंदौर से आपका उज्जैन रोड पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में CCTV लगे हुए हैं और सिमरोल क्षेत्र में भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में CCTV लगे हुए हैं। इसके अलावा इंदौर में जो पर्यटन स्थल है, पाताल पानी है, जाम गेट है, अश्विन सागर है, और जहाँ जहाँ भी जो है वहाँ पे भी हम लोग जो है अतिरिक्त बल तैनात कर। सर, आम जो दर्शन रहते हैं उनको किसी तरह की कोई आवाजाही या रोका टोकी की जाएगी इस दौरान प्रवासी भारतीयों के लिए? आम दर्शकों के लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, वो भी सामान्य दर्शक जो है श्रद्धालु की तरह जा सकते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ भारी वाहनों के लिए प्रतिबंध है। इसके साथ साथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेके आज से ही जो है वाहनों की चेकिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगले 11 तारीख तक लगातार 4-व्हीलर, 2-व्हीलर, बसेज सबकी चेकिंग होगी, उसकी थारोली चेकिंग करेंगे। होटल, लाज, धर्मशाला, ढाबे, इनकी भी हम लोगों की बारी। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अंकित परमार की रिपोर्ट।